नमस्कार, दिल से दिल की बातें में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे शिवसेना के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर जोशी से। जोशी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जोशी साहब। आपने राजनीति में एक पूरा युग देखा और जिया है। हम चाहेंगे कि थोड़ा सा अपना जो सफर रहा है आपका, जब से आप राजनीति में आए और अभी तक, वो हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें। मैं राजनीति में 52 साल हूँ। 52 में मैं 52 मेरी राजनीति की कायमर्यादा है और राजनीति पर मैं नाराज नहीं हूँ, लेकिन इसमें भी कुछ सुधार होने चाहिए। जैसे कि अभी चुनाव के दिन है, इसलिए कहूँगा कि चुनाव में कभी ना कभी आदमी शिक्षित है या नहीं ये भी देखना पड़ेगा, क्योंकि शिक्षा नहीं हो तो आदमी को ज्ञान नहीं होता है, और ज्ञान नहीं होता है तो वहाँ काम करना मुश्किल होता है। मेरी सौभाग्य से मुझे बाला साहब ठाकरे मिले और उन्होंने मुझे पहली बार कॉरपोरेशन में भेजा, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में, और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में जाने के बाद मैं वहाँ का मेयर बन गया। बाद में मैं विधानसभा का चुनाव लड़ा और विधानसभा का चुनाव लड़ने के बाद मैं चुनकर आया और एक दिन महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री भी बना। और ये दोनों बातें होने के बाद मैंने कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन मैं लोकसभा में जब चुनकर आया तो सोचा, और मैं लोकसभा का अध्यक्ष भी बना। तो मेरी सब उम्र राजनीति में बहुत अच्छी रही। और एक बात ये भी कहूँगा कि मैं चुनकर आने के पहले भी जब पढ़ाई करता था तो मैं बहुत गरीब था। मेरे पास शिक्षा लेने के लिए भी पैसा नहीं था, लेकिन मैं जहाँ पढ़ता था पनवेग, तो पनवेग में एक मैडम थी, महाजन नाम उनका, उन्होंने मुझे मेरी व्यवस्था कर दी और शिक्षा भी हो गई। शिक्षा पूरी हुई, मैं बीए हुआ, एमए हुआ, एगे भी हुआ, पीएचडी भी हुआ, और अभी अभी मैं डॉक्टर ऑफ लिटरेचर एडी वो भी हो गया। तो मेरे दृष्टि से राजनीति में होने के बावजूद मुझे कुछ तकलीफ नहीं हुई। मैं सीधा सवाल आपसे करना चाहता हूँ। आपने शिवसेना को बहुत करीब से देखा है, बाला साहब ठाकरे और आज उद्धव ठाकरे, क्या फर्क है? फर्क था जब उद्धव जी ने उनके कारकिर्द शुरू हुई तब फर्क था, लेकिन अभी तो मैं देखता हूँ कि बाला साहब मशहूर थे अच्छा भाषण के लिए, और अभी उद्धव जी ने भी अपनी तरक्की की है और वो भी अच्छा भाषण करते हैं। आदमी आदमी में थोड़ा फर्क होता है, वैसा फर्क है, लेकिन उसका असर राजनीति में नहीं चलता है और नहीं हुआ। ये बड़ी खुशी की बात है। कोई लोग सोचते थे कि बाला साहब ने इतना काम किया है तो उद्धव जी को जमेगा नहीं, लेकिन हो गया, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम चालू रखा है। आपको लगता है जिस तरह बाला साहब शिवसेना को लेकर चल रहे थे, उद्धव जी उसी तरह से, उसी मजबूती से शिवसेना को आगे बढ़ा रहे हैं? ऐसा मुझे लगता है। काम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, और उद्धव जी के नेतृत्व में पार्टी की भी तरक्की होती है। जैसा कि मैंने कहा कि शुरुआत में वो भी नए थे, कैसे रहेंगे, क्या होगा, लोग सोचते थे इस विषय पर, लेकिन उन्होंने काम अच्छा शुरू किया और अभी शिवसेना केवल महाराष्ट्र की नहीं रही। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, जैसा अभी आपने ही थोड़ी देर पहले कहा कि बाला साहब ठाकरे जब थे तो उन्होंने आपको मौका दिया और आपकी शुरुआत
ज़मीन से होकर आसमान तक का सफ़र उन्होंने भी आपको मदद किया, वहाँ तक पहुँचने में एक मौका दिया, आप मुख्यमंत्री बने, लोकसभा स्पीकर बने। आपको लगता है कि उद्धव जी के कार्यकाल में उनकी सोच भी इस तरह की है कि किसी को आगे बढ़ाया जाए, किसी दूसरे को मौका दिया जाए, उनके रहते हुए महाराष्ट्र में कोई दूसरा मुख्यमंत्री बन सके, आपको लगता है इस तरह की चीज़ पॉसिबल है? इसलिए मैं हर बार कहता हूँ कि राजनीति जुआ होता है, जुआ, और उसमें कुछ भी हो सकता है, क्या होगा, कैसा होगा, ये बोलना मुश्किल है। और मैं जोशी हूँ, ज्योतिषी नहीं हूँ, इसलिए भविष्य कहना कठिन है। लेकिन मेरा अंदाज़ा ये है कि शिवसेना आगे बढ़ेगी, और ये केवल अंदाज़ा नहीं और भविष्य भी नहीं, मैं देख रहा हूँ नज़दीक से। लोगों को शिवसेना की पॉलिसी पसंद आती है, जो कहाँ वो भी ठीक ठाक कहते हैं, और हिंदुओं का राज यहाँ आ जाए देश पर तो और अच्छा होगा, ऐसे सोचने वाले लोग बहुत बड़े हैं। लेकिन वंशवाद का क्या होगा, इससे छुटकारा कब मिलेगा? ऐसा क्यों होता है कि बाला साहब ठाकरे, फिर उद्धव ठाकरे, फिर आदित्य ठाकरे? ऐसा भी तो हो सकता है कल आपके बेटे हो सकते हैं, कोई दूसरा पॉलिटिशियन पार्टी में हो सकता है, उनके बेटे हो सकते हैं। इससे ऊपर उठ के कभी पार्टियां सोच पाएंगी? मैं सिर्फ शिवसेना की बात नहीं कर रहा हूं, और भी पार्टीज हैं। इसका क्या रास्ता है, कैसे इस तरह का कुछ हो कि जो काबिल है उसको मौका दिया जाए? लेकिन मैंने अभी भी उदाहरण दिया उद्धव जी का, और कहा कि वो जब पार्टी का प्रमुख बना तब इतना भाषण अच्छा नहीं करता था, लेकिन पार्टी का प्रमुख बनने के बाद उसमें इम्प्रूवमेंट हो गई। तो कभी भी पार्टी के प्रमुख पर तो ये बात रहती है, लेकिन बागा साहब हुए, बागा साहब मैंने चार जनरेशन्स देखा। बागा साहब के पिताजी का नाम था प्रबोधनकार ठाकरे, उनको देखा मैंने, बाद में बागा साहब ठाकरे को देखा तीसरी बार। उद्धव जी का पुत्र बहुत अच्छा काम कर रहा है, आदित्य ठाकरे, और अच्छा काम करते हुए भी किसी को दूर रखना ये ठीक नहीं होता है। तो उद्धव जी के बाद वही आ जाएगा ऐसा लगता है मुझे, उनका नाम है आदित्य ठाकरे। और बागा साहब, उद्धव जी, आदित्य और उनके पिताजी प्रबोधनकर ठाकरे, ये चारों जनरेशन्स मैंने करीब से देखी, और चारों होशियार, चारों अच्छे वक्ते। प्रबोधनकर ठाकरे भी भाषण करने में कम नहीं थे, और अभी आदित्य भी हो गए, तो ये केवल वो रिश्तेदार है इसलिए नहीं, तो अच्छा काम करते हैं इसलिए उनको पद मिला। अब मैं जो आपसे पूछने जा रहा हूँ उसका सबसे सटीक जवाब शायद आप ही दे सकते हैं। बाला साहब ने अपना उत्तराधिकारी राज ठाकरे को नहीं चुन के उद्धव ठाकरे को क्यों चुना? क्योंकि राज ठाकरे छोड़कर गए ना, रहते तो शायद शिवसेना प्रमुख भी बन सकते थे। अभी आप पूछेंगे कैसा रोकना, ये तो पार्टी में पॉलिटिक्स में बड़ा मुश्किल होता है किसी को रोकना, और न दूसरे पार्टी में जाकर पार्टी चलाना, और कभी कभी खुद नए पार्टी के प्रमुख बनना। तो ऐसी स्टेप्स यदि राज ठाकरे न लेते तो वो भी हो सकते थे पार्टी के प्रमुख। अच्छा, आपको क्या लगता है बीजेपी में और शिवसेना में, दोनों जगह एक ट्रेंड देखा जा रहा है कि जिन लोगों ने पार्टी को खड़ा किया है अब उनको साइडलाइन करके उनको मार्गदर्शक की भूमिका दी जा रही है, दोनों जगह ये एक ट्रेंड देखा जा रहा है, इसका क्या रीज़न है, क्यों ऐसा फीलिंग क्यों दिया जा रहा है कि अब आप साइडलाइन हैं, अब आपकी पार्टी को ज़रूरत नहीं है, ये मैसेज देने का क्या रीज़न है? पार्टी में ऐसा कुछ सोचता भी नहीं है, यानी उद्धव जी को क्यों बनाया पार्टी के प्रमुख, कोई सोचता नहीं है, क्योंकि वो काम अच्छा करता है। और बाजू में रखने की बात कहेंगे तो जो पार्टी में है उनको किसी को भी बाजू में रखना नहीं चाहते हैं उद्धव जी, और साथ में लेकर जाना चाहते हैं। मोदी जी के बारे में आपकी क्या राय है, मोदी एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? मैंने मोदी जी का कारोबार करीब से नहीं देखा, नज़दीक से नहीं देखा, लेकिन इस विषय में
अभी तो शिवसेना बीजेपी युति हो गई, तो वो भी हमारे मित्र हो गए मोदी जी। लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि मोदी जी एक्सेप्शनली गुड, एक्सेप्शनली नाइस एंड गुड एडमिनिस्ट्रेटर भी है। और ये मैंने आपको कहा क्योंकि मैं प्राइम मिनिस्टर वो होने के पहले भी उनको मिला था और मेरी बात हुई थी मोदी जी से, और जो काम कर रहे हैं वो काम तो बहुत अच्छा चलते हैं। देखो एक उदाहरण दूंगा आपको, प्रधानमंत्री का काम कितना मुश्किल होता है मुझे मालूम है, लेकिन एक शब्द दिया वो पूरा करना, इसका उदाहरण मोदी है। जब आतंकवादी ने उन्हें, पाकिस्तान के आतंकवादी ने हमारे लोगों को मारा, तो उसी समय मोदी जी ने कहा था ये बात हम छोड़ेंगे नहीं, हम रिवेंज गएंगे, और वो रिवेंज लेकर दिखाया। यानी कोई बात नहीं करते हैं, अभी पाकिस्तान में सब ठंडा दिखता है, कम से कम अभी ठंडा दिखता है। और मोदी जी हमारे देश के आदर्श नेता बने, यही करना चाहिए। हर बात तो नहीं कर सकते, लेकिन आप जानते हैं कि इस विषय पर हम इकट्ठा हुए हिंदुत्व पर, और वो इकट्ठा होने का उद्देश्य भी यही है। हमारी इस विषय की भूमिका ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, हिंदुस्तान हिंदुओं का, और हिंदुस्तान हिंदुओं को आए तो उनको यहाँ सम्मान से रखना, निर्भय रखना आवश्यक है। वो दोनों बातें इन्होंने की। मोदी जी आजकल आपने देखा होगा लेटली जो कैंपेन चला है, सब लोग अपने आप को चौकीदार कहलाना पसंद कर रहे हैं, इंक्लूडिंग मोदी जी। तो एक देश के प्रधानमंत्री होते हुए शायद आज उनको प्रधानमंत्री कहलाने में उतनी खुशी नहीं है जितना एक चौकीदार कहलाने में है। ये जो चल रहा है इसके बारे में कुछ आपकी क्या सोच है, क्या राय है? चौकीदार इस शब्द का अर्थ यदि एक्चुअल मीनिंग ऑफ द वर्ड ऐसा करेंगे तो चौकीदार बुरा होता है ऐसा नहीं होता है। उनको समझना है, जो फैमिली का चौकीदार है उनको फैमिली को समझना, उनको आगे बढ़ाना, ये उसका काम होता है। तो देश को आगे बढ़ाने का काम मोदी जी कर रहे हैं, और उनके इस पीरियड में 5 साल अभी हो रहे हैं उनको, उन्होंने कोई बुरी बात नहीं की। मैं राजीव गांधी की मीटिंग देखता था और अभी भी देखता हूँ, लेकिन मैं यही देख रहा हूँ कि आक्षेप लेने लायक, रेजिंग ऑब्जेक्शन, ऐसी कोई बात उनके हाथ से हुई नहीं। ये भी कुछ कम नहीं है हमारे देश में। एक चीज़ बताइए कि उद्धव जी खुद पार्टी प्रमुख हैं, अपनी एक रैली में खुलेआम बोलते हैं, जो नहीं भी बोलना चाहिए था वो भी बोल देते हैं, बीजेपी के बारे में सब कुछ कह दिया जाता है, मतलब कुछ बचा नहीं। उसके बाद चुनाव आता है, बोलते तो, थे अभी नहीं बोलते नहीं, लेकिन ये तो बिल्कुल रीसेंट है जब उन्होंने बोलना छोड़ा, जब आपकी फिर से एक बार आप लोग साथ आ गए। 4.5 साल जनता ने ये सोचा कि नहीं बीजेपी शिवसेना बिल्कुल अलग है, उनकी सोच अलग है, कोई अच्छा है कोई बुरा है, और वापस से बीजेपी शिवसेना हाथ मिला लेती है। तो मैं चाहता हूं कि आप एक शिवसेना के नेता के जैसे नहीं, एक सिर्फ मनोहर जोशी जैसे हमको ये बताइए, जिन्होंने इतना कुछ देखा हुआ है, ऐसा कैसे कर लेते हैं पॉलिटिशियंस की एक दूसरे पे सब कुछ इल्ज़ाम लगा दिए, वापस से चुनाव आया तो क्या सत्ता की लालच इतनी बढ़ जाती है कि सारा कुछ साइड में रख देते हैं, बोलते हैं बस पहले साथ आ जाओ सत्ता चाहिए? ये फैमिली में भी होता है। क्या आप कह सकते हैं कि फैमिली में अलग अलग रिलेशंस होते हैं, कभी झगड़ा भी होता है बड़ा, फैमिली छोड़ कर जाने की बात भी होती है, लेकिन मन से इकट्ठा होते हैं। वैसे ये हिंदुत्व के विषय पर दोनों को इकट्ठा रहने की सख्त जरूरत है, और वो रहे। अभी फैमिली में झगड़ा होता है तो वो क्या करते हैं, जाते हैं क्या घर छोड़कर? नहीं जाते, घर में ही रहना, मतभेद हो वो दिखाना। तो जो प्रश्न आपने पूछा उसका उत्तर मैं लूँगा, क्या ऐसा लगता है आपको
कि अभी तक दोनों एक नहीं हुए, तो ये पत्रकारों की बात है। पत्रकार उसके दृष्टि से बात देता है, लेकिन वो बात लेने के पहले चर्चा करनी चाहिए। शिवसेना नेताओं को पूछो, और आप तो जानते हैं पत्रकारों को सब जगह पर एंट्रेंस होता नहीं। इस समय तो गठबंधन महागठबंधन हर जगह चल रहा है। ममता बनर्जी, मायावती, नायडू जी सब लोग साथ आ गए हैं। ममता बनर्जी ने कह दिया राहुल तो बच्चे हैं साथ। ये चल क्या रहा है, आपको क्या लगता है कि राजनीति किस तरफ जा रही है, क्या होने वाला है देश में? बड़ा ही अजीब सा माहौल बना हुआ है, शायद इस तरह कभी रहा नहीं। आपने पूछा इसलिए मैं जवाब दूंगा। मैं विचार करने वाला आदमी हूँ, सोच करने वाला, और कभी कभी मेरे मन में आता है कि पार्टी का नाम अगर होकर भी पार्टीज अपने सामने एक ध्येय रखी, एम्बिशन रखी, और वह एम्बिशन देश के बारे में होनी चाहिए। बाला साहब ठाकरे को एक बार ऐसा किसी ने पूछा तो बाला साहब ने कहा कि पहले देश और बाद में पार्टी। ये सोच बाला साहब ने मेरे मन में गाई, क्या चाहते हो आप? और मैंने बाला साहब को बताया था कि आपकी बात सही है। हर आदमी को, पॉलिटिशियन को खास करके, ये सोचना चाहिए कि देश कैसे आगे बढ़ेगा। शिवसेना ने जो मांग की वो कोई मुश्किल मांग नहीं थी। थोड़ा विस्तृत उत्तर देता हूँ इस प्रश्न का। वो विस्तृत नहीं थी मांग। महाराष्ट्र में मराठी लोगों को नौकरी में प्रायोरिटी चाहिए, लेकिन उन्होंने मांग की और पूरा देश इसके खिलाफ रहा कि ये कैसा चाहिएगा, हर एक को जॉब मिलना चाहिए, चाहिए हर स्टेट को अपने लोगों को जॉब्स देना काम है। तो विचार बाला साहब का आगे बढ़ा, और आज कोई इस विषय पर बोलता ही नहीं है मराठी विषय पर, लेकिन उसी समय हिंदुत्व का विषय था। अयोध्या में लोग गए, मैं पहले गया शिवसेना की तरफ से, कितने साल हुए मुझे याद नहीं, लेकिन मैं भी गया था और बाद में उद्धव जी भी गए। उद्धव जी ने भी अयोध्या में जाकर यही दिखाया कि हिंदुओं की मांग आगे लेकर जाना चाहिए, और वो मांग में कुछ गलत बात नहीं है। तो मेरे दृष्टि से एक बार मतभेद हो सकते हैं, लेकिन देश के जो प्रश्न है वो प्रश्न पर लोगों को एकजुट से रहना चाहिए। सबसे बड़ा प्रश्न कौन सा है, पेट का है। मैं कभी सोच भी नहीं सकता हूँ कि कई लोग ऐसे हैं जिनको दो बार का खाना नहीं मिल सकता है, और केवल खाने की बात नहीं, धर्म की बात भी कहे मेरे। हिंदुस्तान किसका, हिंदुओं का, इसके नाम हिंदुस्तान, बाद में वो बदल गया भारत के, वो बात अलग है। तो देश के प्रश्न लेकर खड़े रहेंगे तो हमारा देश बहुत आगे बढ़ सकता है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, क्या लगता है आपको कहां तक कांग्रेस को ले जा पाएंगे, ये कितना लंबा सफर तय करेंगे, कहां तक कांग्रेस को आगे बढ़ाने में इनकी प्रेजेंस हेल्प करेगी? नहीं, वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चुनाव में अंतिम क्या होगा ये वोटर से ही डिसाइड करते हैं। एटलीस्ट ऑन पेपर वोटर्स डिसाइड करते हैं। जैसा आपने अभी बताया उद्धव जी के बारे में, आदित्य जी के बारे में, तो राहुल जी का क्या लगता है आपको, कितना परिपक्व हो गए हैं, कितने ट्रेंड हो गए हैं, कितना बढ़िया बोलते हैं, कितना बढ़िया सोचते हैं, अपने एक्सपीरियंस से आपको क्या लगता है कहां तक जाएंगे? भाषण मुझे अच्छा लगता है। कृति में कैसा है ये यदि पोस्ट पूर्व आएंगे तो उस समय मालूम पड़ेगा। अभी बोलना ठीक नहीं है, वो कोशिश कर रहे हैं, करने दो, इसका ही नाम तो डेमोक्रेसी है, लोकशाही है। यूपी के बाद सबसे ज्यादा लोकसभा सीट्स महाराष्ट्र में है। सीधा सवाल यह है, आपका आंकलन क्या है, महाराष्ट्र में क्या होने वाला, शिवसेना कितनी सीट्स लेकर आएगी? मोर देन 50%। जैसा इस बारे में अगेंस्ट के बारे में
कितनी जगह तुमको चाहिए, तो उद्धव जी ने कहा था 50% चाहिए हमको और मिल गई। बीजेपी को 50%, शिवसेना को 50%, वैसा ही मैं चाहता हूँ कि जीतने का प्रपोर्शन यही रहे और दोनों जीत जाए, शिवसेना और बीजेपी। लेकिन जो देश का माहौल चल रहा है, आपको लगता है केंद्र में बीजेपी शिवसेना मिलकर सरकार बनाएंगे, बीजेपी शिवसेना एनालाइज, या वहां भी आपको 50-50 लगता है कि जो महागठबंधन बना हुआ है या कांग्रेस, वो लोग मिलकर सरकार बना सकते हैं? मेरी एक हैबिट है अभ्यास करना, स्टडी, तो ये स्टडी के अनुसार चुनाव करना, इकट्ठा करना, ये आसान है, लेकिन देश इतना बड़ा और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी इतनी बड़ी, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में कौन आगे बढ़ेगा कौन नहीं, ये मालूम करना भी मुश्किल है। मैं लोकसभा के लिए 3 बार गड़ा, 2 बार हारने के बाद भी तीसरी बार बना और अध्यक्ष बना, ये इसको ही मैं कहता हूँ कि एक जुआ है, और इसलिए इस विषय पर बोलना भी मुश्किल होता है कभी कभी, क्या होगा, किसी का भी भविष्य सच नहीं हुआ अभी तक, कुछ लगता है ऊपर से। 3 राज्यों में कांग्रेस चुनकर आई, किसने सोचा था बाहर के वो ने, तो ये मुश्किल होना कठिन, अपने राज्य में भी कठिन और वहाँ भी देश के बारे में कठिन। और इसलिए मैंने कहा कि मैंने हर समय सोचा कि हमारा देश आगे बढ़े, इसके लिए क्या करना चाहिए, और मैंने कहा कि ऐसा मैनिफेस्टो तैयार करो कि देश हित की बात है और वो एजेंडा लेकर जाओ जिसको सब पार्टी सब समर्थन करे, और फिर देश की तरक्की हो सकती है। थैंक यू जोशी साहब, आपसे बात करके बहुत मजा आया। ऑल द बेस्ट टू यू एंड शिवसेना फॉर द कमिंग लोकसभा इलेक्शंस। नमस्कार।